सेना के लिए सरकार की अग्निपथ योजना पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है कि अब एक बार फिर वन रैंक वन पेंशन स्कीम सुर्खियों में है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस योजना को लेकर कड़ी फटकार लगाई है और योजना से जुड़ी सभी अड़चनों को दूर करने को कहा है। कोर्ट ने इसके लिए केंद्र को 14 नवम्बर तक की डेडलाइन भी दी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जोरदार फटकार लगाई है। सरकार की वन रैंक वन पेंशन योजना को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 2 लाख का जुर्माना लगाते हुए नोटिस भी जारी कर दिया है। कोर्ट के बेंच ने निर्देश दिया है कि ये राशि सेना के कल्याण कोष में जमा की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को 14 नवम्बर तक पेंशन में विसंगतियों को ठीक करने का एक अंतिम मौका दिया है। दरअसल वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत सेना से रिटायर हुए लोगों को उनके सेवा काल के आधार पर पेंशन दी जाएगी, जो कि पहले उनकी अंतिम सैलरी के आधार पर नियोजित होती थी। इस योजना का उद्देश्य पहले सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों की पेंशन को वर्तमान सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन के बराबर करना था, लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद अपर्याप्त दस्तावेज और पेंशन योग्य सेवा के लिए सेवानिवृत्ति की न्यूनतम रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल होने के कारण विशेष रूप से कैप्टन और मेजर के रैंक के लिए विसंगतियां सामने आई, जिसे लेकर कोर्ट ने 2021 में ही सरकार को फैसला करने के निर्देश दिए थे, लेकिन केंद्र की तरफ से आज तक कोई कदम नहीं उठाए गए। मामले में देरी की आलोचना करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ये कितने सालों तक चलेगा, या तो आप 10% बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करें या हम आप पर जुर्माना लगा रहे हैं। और साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर 14 नवंबर तक सरकार इस मुद्दे का हल निकालने में सफल नहीं रही तो सभी प्रभावित कैप्टनों की पेंशन में 10% की अनिवार्य बढ़ोतरी कर दी जाएगी। मामले में अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।